सो ये मैंने कर दिया है कनेक्ट इसको, और इसका जो वॉल्यूम है वो इसका नॉब है पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। सो ये वीडियो है एक स्पीकर का। सो ये एक पोर्टेबल स्पीकर है एंड इसका जो नाम है वो है टकारा, एंड ये बहुत फेमस स्पीकर है एंड ये 10 इंच का है। तो इसको मैं काफ़ी टाइम से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो साउंड है एंड जो पंच है वो मतलब काफ़ी अच्छा है। एंड इसका जो मॉडल है ये अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन सेम ब्रांड का आपको 12 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का आपको सब मिल जाएगा। सो उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो आप इसको वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी हम देखते हैं इस स्पीकर में हमें क्या क्या मिलता है और इसमें क्या क्या फंक्शंस है, एंड हम इसका साउंड चेक करेंगे, प्रॉपर साउंड चेक। एंड ये जो साउंड चेक हो रहा है ये एक स्टूडियो में हो रहा है, तो इसमें बाहर का साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। एंड आप इसको हेडफोन में आप इसको चेक कर सकते हो कि इसका जो क्वालिटी है वो कैसे आ रही है। सो गाइस, अभी हम देखते हैं इस स्पीकर के आजू बाजू, नीचे पीछे सब जगह। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले। मैं इसका स्विच यहाँ से ऑन करता हूँ, इसका स्विच पीछे है एंड ये ऑन हो गया है। और सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है लाइन का ऑप्शन, एंड इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैटरी इंडिकेटर, जो भी 3 पॉइंट है एंड एक ब्लिंक कर रहा है। एंड उसके नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा यूएसबी का पोर्ट, यहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव को लगा के आप इसमें सॉन्ग सुन सकते हो। और उसके साइड में आपको यहाँ मिल जाएगा TFT कार्ड, जो होती है बड़ी वाली जो होती है, एंड यहाँ भी है एक माइक्रो TFT कार्ड यहाँ पे। एंड उसके नीचे आपको यहाँ मिल जाता है कुछ बटन्स कंट्रोल करने के लिए। आप जब इसको प्ले करेंगे यूएसबी के साथ, तब जैसे यहाँ से हम अपना मोड को चेंज कर सकते हैं। रेडियो मोड, एंड उसके बाद आपका अपने इसमें आता है ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड, एंड फिर से हम ऐसे करेंगे लाइन इन, तो बैक टू लाइन इन। एंड ये इसका एक वॉल्यूम नॉब है। सो अभी हम इसका साउंड चेक करें बंद में। एंड इसका साइड में यहाँ पे है बेस रिफ्लेक्टर। सो ये 10 इंच का एक स्पीकर है, और तो इसके ऊपर है आपका हाई फ्रिक्वेंसी का जो ड्राइवर होता है वो ट्रेबल का, एंड यहाँ पे नीचे इसका ब्रांडिंग है टकारा। एंड अब देखते हैं हम इसके साइड में। सो साइड में कुछ नहीं है, ऐसे ही प्लेन है इसका बॉडी है। एंड उसका बैक में कुछ होगा, यस। सो बैक में आपको यहाँ क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है ऑक्स, जो कि है RC ऑक्स। एंड उसके बाद आपको यहाँ मिलता है एक माइक इनपुट। एंड उसके बाद अब आते हैं हम नॉब में, तो नॉब में सबसे ऊपर है माइक वॉल्यूम, एंड उसके बाद है आपका यहाँ पे इको, उसके नीचे है गिटर वॉल्यूम, उसके बाद है ट्रेबल एंड बेस, और यहाँ पे एक ऑप्शन है माइक प्रायोरिटी। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑन रहेगा, का अगर मतलब म्यूज़िक चल रहा है, तो हम अगर कुछ बोलेंगे माइक में तो वो म्यूज़िक का साउंड ऑटोमेटिक कम कर देगा, बट तो हम इसको हमेशा ऑफ में रखते हैं। एंड यहाँ पे लाइट है इसमें, जो कि है मतलब पावर का। उसके बाद है इसमें चार्जिंग का इंडिकेटर, फुल चार्ज एंड लो। उसके नीचे आपका आता है एक जैक इनपुट, सो ये है आपका गिटार का जैक इनपुट। उसके नीचे आपका आता है यहाँ पे एडाप्टर के लिए जो पिन है वो। उसके बाद ये आपका है ऑन ऑफ स्विच, ये भी ऑफ हो गया एंड ये भी ऑन हो गया। एंड यहाँ पे आप 12 वोल्ट का अलग से बैटरी आप इसमें लगा के इसको आप चला सकते हो। सो इसका जो एडाप्टर है, तो ये यहाँ पर लिखा है DC 15 वोल्ट इन। सो आपको यहाँ पे 15 वोल्ट का ही अडेप्टर इसमें आपको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, सो इसके अंदर आपका होगा बैटरी। सो यहाँ पे आई थिंक 12 वोल्ट का ही इसके अंदर बैटरी होगा। एंड उसके नीचे आपको यहाँ मिलता है व्हील, क्योंकि ये एक पोर्टेबल स्पीकर है एंड इसमें आपको ट्रॉली का एक सुविधा मिल जाता है, तो इसको मतलब कैरी करने के लिए। सो यहाँ से इसका जो ऐसे खुलता है इसका ट्रॉली, एंड हम इसको ऐसे करके ऐसे इसको टर्न करके हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। एंड इसको नीचे करने के लिए आपको यहाँ पे जो एक बटन है इसको ऐसे इसको पुश करना है एंड ये आपका नीचे आ जाएगा। और इसकी जो बैटरी की जो मतलब बैकअप है, मतलब आप इसको बैटरी में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, एंड इसको आप पावर पॉइंट
पॉइंट में भी डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो बैटरी की जो बैकअप है वो आपको करीब 4 घंटा आपको ये मिल जाएगा नॉर्मल वॉल्यूम में। सो इसके नीचे हमें मिलता है ये 2 व्हील जो कि काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है बिल्कुल। एंड उसके बाद यहाँ पे 4 लेग्स हैं इसके। सो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको स्पीकर स्टैंड में माउंट कर सकते हो, यहाँ पे इसका एक ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लूज़ करके आप यहाँ पे इसको माउंट कर सकते हो। सो इसका जो स्टैंड है तो उसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, सो आप इसको वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अभी हम देखते हैं इसका अपर लुक। सो यहाँ पे कुछ खास कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन ट्रॉली का एंड यहाँ पे एक ऊपर हैंडल इसको कैरी करने के लिए। सो गाइस अभी हमने इसको कर दिया है कनेक्ट ब्लूटूथ से। सो लैपटॉप से ये है कनेक्ट ब्लूटूथ से एंड इसका जो नेम है ब्लूटूथ का वो है BT स्पीकर। सो आपको ऐसे ही यहाँ पे इसका मोड चेंज करना है एंड यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ाना है। अब इसका वॉल्यूम है 30%। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो अभी अब ये 40 में आ गया। अब ये आ गया 50 में। एंड ये भी जा रहा है 60 में। एंड ये चला गया 70 में। एंड ये आ गया 80 में। एंड ये 90 में। एंड ये फुल, अब ये वॉल्यूम इसका फुल है। सो गाइस अभी हम करते हैं कनेक्ट, ये आपका एक जैक है, ये एक जैक है 6.5 to 3.5 mm। सो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो अभी हम तो इसको करते हैं कनेक्ट लैपटॉप के साथ, फिर देखते हैं इसका साउंड कैसे आता है। सो इसको मैं स्पीकर में इसको मैं कनेक्ट करूँगा जहाँ पे लिखा हुआ है गिटार इन यहाँ पे। एंड इसका जो वॉल्यूम है इसको मैं बिल्कुल कम कर दूँगा एंड ये मैं लैपटॉप में इसको भी करूँगा कनेक्ट। तो ये मैंने कर दिया है कनेक्ट इसको, और इसका जो वॉल्यूम है वो इसका नॉब है पीछे, तो अब ये 20 में है। अब ये 30 में आ गया। अब ये 40 में आ गया। 50 में आ गया। और अगर मैं इससे ज़्यादा इसका साउंड अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये आपको साउंड इसमें क्रैक मिलेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है एंड माइक भी बिल्कुल पास में है। तो आप सोच सकते हो कि 50 में अगर इतना साउंड है तो अब मैं अगर इसको फुल करूँगा तो कितना साउंड और ये देगा। सो अभी हम इसको चेक करेंगे ऑक्स में। सो ऑक्स बोले तो ये एक RC ऑक्स है। यहाँ पर आपका है 3.5 एंड ये आपका 2 पिन। सो इससे हम करते कनेक्ट, तो ये आपको यहाँ पे करना है कनेक्ट, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और जो दूसरा इसका जो पॉइंट है वो आपका जाएगा सिंपल फ़ोन में और नहीं तो लैपटॉप में। सो अभी इसका जो साउंड है अभी वो हम भी चेक करेंगे। तो मैं सॉन्ग कर रहा हूँ प्ले। सो ये आपका सॉन्ग तभी चलेगा जब आपका ये मोड यहाँ पे लाइन में होगा एंड इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो आपका फ्रंट से होगा। तो अभी ये 30 में है, अभी ये 40 में है, अभी ये 50 में है, अभी ये 60 में है, 70, 80, 90। सो गाइस आपको इस स्पीकर के साथ को ये 2 कॉर्डलेस माइक भी मिलता है बिल्कुल फ्री एंड ये कॉर्डलेस माइक भी अच्छी है नो डाउट। एंड इसमें आपको और ये जो है ये जो माइक है ये है आपका UHF माइक है,
जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको दो कलर मिल जाता है, एक ऑरेंज एक ब्लू। एंड इसकी जो बैटरी है, सो बैटरी में आपको इसमें यहाँ पे आपको दो पेंसिल सेल आपको इसमें यूज़ करना होगा। सो ये इसका माइक है एंड ये काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। यह आपको करना है कनेक्ट सबसे ऊपर माइक वन, माइक इन में, ये हो गया है। एंड ये इसका वॉल्यूम, सो अभी स्पीकर का जो फेस है वो माइक से बिल्कुल उल्टा है, तो इसलिए इसका साउंड आपको क्लियर नहीं आएगा। बट अभी आपको पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो इसमें जो माइक वॉल्यूम है, तो अभी वॉल्यूम है यहाँ पे 30%, एंड आप इसका साउंड सुन सकते हो कि ये कैसा आ रहा है। एंड अगर मैं इसका साउंड थोड़ा बढ़ाऊँगा, अभी ये 50 में आ गया, एंड ये 70, 80, 90, 100, एंड ये हो गया आपका फुल वॉल्यूम। एंड इसे करते कम, एंड उसके नीचे आपको आता है इको का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा बढ़ाओगे तो इसमें आपको इको का इफेक्ट मिलेगा, जो आपको सिंगिंग में काम आने वाला है। ऐसे चेक 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 चेक, ये बिल्कुल हो गया कम, क्लियर हो गया बिल्कुल ये। एंड ये इसका फुल है, ये इसका इको फुल है। सो इसे करते हैं कम, एंड अब सुनते हैं इसका साउंड फ्रंट से कि ये कैसा साउंड आपको देगा। एंड अभी आप सुन सकते हो इसका साउंड क्लियरिटी। सो अभी मैं JBL माइक में बोल रहा हूँ, आप इसको हेडफोन में डाल के सुन सकते हो फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। एंड ये माइक वॉल्यूम, अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, एंड ये हो गया। अच्छा, एंड ये अभी है आपका 50% में, एंड ये मैंने थोड़ा मूव किया 70, 80, एंड दिस इज फुल। बट ये बीप कर रहा है बिकॉज मैं स्पीकर के बिल्कुल सामने हूँ, दैट्स वाई। सो इसे करते हैं हम 60 में, एंड अभी देखते हैं कि इसका जो इको है वो कैसा है। एंड इको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा अभी यहाँ से, एंड ये आपका 50 में आ गया इको, एंड ये इको इसका फुल हो गया। तो इको को थोड़ा सा कम करते हैं, एंड एक सॉन्ग मैं आपके लिए पेश करता हूँ। सो अभी एक और सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ, तो इसका इको में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। हेलो चेक, हेलो चेक, यस। सवल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है, मैं इसको करीब काफ़ी टाइम से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, आउटडोर इनडोर जहाँ मर्जी आप इसको लेके यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें बैटरी का बैकअप मिलता है, एंड इसमें आपको दो माइक मिलता है, एंड आप इसमें अलग से माइक भी डाल सकते हो। एंड आपको यहाँ पे आपको मतलब गिटार या कीबोर्ड आपको इसमें डालना है, तो आप वो भी इसमें आप इसमें इनपुट कर सकते हो। इसका जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो आज के लिए इतना ही।